Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SNAP 2023 exam, because in this video, I'm going to discuss about the detailed syllabus and books that you must refer for SNAP 2023 exam. Guys, काफी लोगों के regular pings आ रहे हैं regarding NMAT, SNAP and other non-CAT exams. कैसे वीडियो बनाए जाए? तो गाइस मैंने स्नैप का बनाया है वीडियो, इससे आपको काफी क्लैरिटी आएगी एंड इस बार स्नैप ने काफी सरप्राइज दिए थे. तो अपार्ट फ्रॉम द बुक्स एंड सिलेबस, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्नैप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कि जो सिचुएशन लास्ट ईयर भी थी वो ना हो. ठीक है, तो इस पर और वीडियो भी बनेंगे गाइस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह पे, बट आज का जो वीडियो है ये मेन वीडियो सिलेबस एंड बुक्स पे है. गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है, काफी लोग हेल्प हो जाएगी बिकॉज काफी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं. एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम लोग के YouTube चैनल पे काफी सारे वीडियोस हैं, लाइक 300 प्लस कंटेंट बेस्ड वीडियोस हैं, इंक्लूडिंग प्लेलिस्ट एंड ऑल शॉर्टकट्स वगैरह, जो आपको काफी हेल्प करेंगे कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स में. ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस हम लोग का स्नैप का डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, करीब 5000 प्लस ग्रुप है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में, इसका लिंक दे दूंगा. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस बात करते हैं कौन सेक्शन से. तो गाइस एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक चीज बिल्कुल समझ लो कि स्नैप या कोई भी एमबीए एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम की कोई चीज नहीं होती है. काफी लोग को हर बार ये क्वेश्चन आता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस. मैं आपको बार बार ये बोल चुका हूँ और आप देखते भी हो कि आजकल इवन नॉन कैट एग्जाम्स में हायर मैथ्स से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो आपको ये अपने माइंड से निकाल देना है बिल्कुल कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ है. ये सब स्कूल में होता था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. एक्चुअली कुछ भी आ सकता है और किसी चीज का कोई रेशियो फिक्स नहीं है. कभी अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आपको हर टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करना है कि स्नैप में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स के, तो 20 के 20 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आ सकते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आ सकते हैं, अलजेब्रा के, मॉडर्न, सब कुछ आ सकता है. तो आपको हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में बहुत ही ज्यादा वेरायटी के साथ प्रिपेयर करना होगा गाइस, तभी एग्जाम निकलेगा. क्योंकि हर कॉलेज का पैकेज बढ़ रहा है, डेफिनेटली पेपर अच्छा लेवल का आएगा, क्योंकि पेपर अगर इजी आ जाएगा हर कोई कर लेगा. बात करते हैं गाइस अर्थमेटिक से. तो अर्थमेटिक में आपको परसेंटेजेस पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, टाइम इनवर, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एसआई पीआई, एवरेजेस, एलिगेशन मिक्सचर, रेशन प्रोपोर्शन, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स. तो गाइस ये पूरा अर्थमेटिक है, ये आपको प्रॉपर वे में करना है. इवन वर्स्ट केस सिनेरियो में पास्ट कैट पेपर्स देख के जाना, मतलब कैट लेवल तक के क्वेश्चन आपको आने चाहिए. कैट और जैट लेवल का हर एक क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि इस बार 2-3 क्वेश्चन एक्जैक्टली कैट लेवल के ही आ गए थे. ठीक है, प्रिंट हो गए, मतलब कुछ लोगों को तो आंसर भी आ गए. अब आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, बात करूँ अगर अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में आपको एपी, जीपी, एचपी एंड मिसलेनियस सीरीज, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, लॉगरिथम्स, लीनियर क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी का बेसिक्स जितना हो सकता है कर लो, सर्ट्स एंड इंडाइसेस अच्छे से कर लो, इंटीग्रल सॉल्यूशंस कर लेना, फंक्शंस का बेसिक्स. ठीक है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स वगैरह कर, मैक्सिमम एंड मिनिमम कर लेना अच्छे से, गाइस क्वेश्चन आ जाते हैं. क्योंकि गाइस हर साल सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट 2-3 साल के पेपर में डिपेंड हो जाते हैं. ऐसा नहीं करना, जो आपको देख के जाना चाहिए, जो लास्ट 2-3 साल में आया है वो तो करना ही है, बट एक्सपेक्ट करो समथिंग न्यू, कुछ नया भी हो सकता है. क्योंकि एग्जामिनर ये जानता है कि आप लास्ट 3 साल पेपर देख के आ रहे हैं, तो वो कुछ भी चेंज कर सकता है. लाइक लास्ट ईयर अगर अर्थमेटिक आई थी, तो हो सकता है इस बार अलजेब्रा टफ आ जाए, तो आपको बहुत ही वर्स्ट केस के लिए करना है. और इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि आप कैट नॉन कैट के लिए अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस आप आईआईटी मेंस के लिए करके जाओ, एटलीस्ट कैट के लिए. नॉन कैट में खैर ज्यादा हो जाएगा, बट कैट के लिए. ज्योमेट्री के लिए गाइस आप देखो, लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक्स होना चाहिए, ट्राइंगल्स पूरा प्रॉपर होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से होना चाहिए, हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन काफी आते हैं, ये अच्छे लेवल का होना चाहिए. ठीक है, गाइस अगर बात करें हम नंबर्स की, तो नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, रिमाइंडर्स, यूनिट एंड लास्ट डिजिट्स, बेस सिस्टम्स, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, सारी वैरायटी कवर होनी चाहिए. ठीक है, देन गाइस मॉडर्न मैथ्स में क्या क्या आता है. मॉडर्न मैथ्स में है पीएनसी प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी. सेट थ्योरी दो तरह के होते हैं गाइस, एक सेट थ्योरी आपका होता है नंबर्स वाला, ठीक है, जहां पे आप कार्डिनलिटी ऑफ द सेट निकालते हो. ठीक है, वो सब होता है, और एक सेट थ्योरी वेन डायग्राम्स का होता है. ठीक है, जो आप वेन डायग्राम का 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल करते हो, तो ये आपको दोनों करने होंगे. स्टैटिस्टिक्स अच्छे से करो, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज वगैरह सब कुछ आना चाहिए,
मीन मीडियन मोड वेरियंस इवन थोड़ा बहुत नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ लेना। बायनोमियल थ्योरम अच्छे से होना चाहिए। क्वेश्चन आ गया था लास्ट लास्ट ईयर हायर मैथ्स में आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये एलिप्स हाइपरबोला ठीक है आपका ये पैराबोला वगैरह। डीआई के लिए बात करूँ डीआई एनडीएस डीआई बेसिक्स आना चाहिए लाइन चार्ट बार ग्राफ पाई चार्ट टेबल्स ठीक है आपका ये मिक्स्ड वाला है ठीक है बाकी ये डेटा सफिशिएंसी ये आपका डीआई में सब होना चाहिए मिक्स कॉम्बिनेशन है डेटा सफिशिएंसी तो ये सब आपका होना चाहिए। तो गाइस ये कौन सा डिटेल सिलेबस है जो आपको करना है और अगेन बोल रहा हूँ गाइस हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ो जितने अच्छे से आप अर्थमेटिक पढ़ते हो उतने अच्छे से आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ना है उतने ही अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो रिग्रेट करोगे फिर ठीक है क्योंकि होता क्या है ना गाइस 20 क्वेश्चन में मान लो 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आ गए अर्थमेटिक के 8ों क्वेश्चन बहुत लेंदी है कर ही नहीं सकते आप और मान लो हाइट्स एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन है सिंपल लेवल के तो आप दोनों में से कुछ नहीं कर पाओगे अर्थमेटिक लेंदी आया कर ही नहीं पाओगे और हाइट्स एंड डिस्टेंस आप पढ़ के नहीं गए वो भी नहीं कर पाओगे इसी वजह से आपको सारे टॉपिक्स में अच्छे से करना होगा। गाइस बात करें अगर हम लोग बुक्स की तो क्वांट्स लिए आप क्वांटम कैटी को रेफर कर सकते हैं फॉर डीआई यू कैन रेफर डीआई एंड या बुक कर सकते हो अरिहंत ठीक है डीआई के लिए ये बुक्स आप सेल्फ स्टडी के लिए ले सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। बात करें अगर लॉजिकल रीजनिंग की तो गाइस बेसिक लेवल के बजट आने चाहिए ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी अच्छे से आना चाहिए एनालॉजी की कोई लिमिट नहीं है गाइस फिगर फिगर बेस्ड रीजनिंग कैलेंडर्स क्लॉक्स में पीएचडी कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन सेंस वर्बल रीजनिंग इनपुट आउटपुट अरेंजमेंट्स बेसिक लेवल का क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से करो गैस बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। इस बार हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत फोकस करने वाले हैं बिकॉज स्नैप में भी काफी आई है एंडमैट में भी आई है स्नैप भी आई है तो जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट ये सब जो होता है मतलब ये तो वाली क्रिटिकल रीजनिंग है स्ट्रेंथन एंड वीकन वाली अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो होती है स्टेटमेंट असम्पशन स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट्स कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है ये सब अच्छे से आपको डिटेल में आना चाहिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए मतलब हर एक टाइप के 100 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाओ मिनिमम ठीक है नंबर सीरीज एनालॉजी दो बार आगे दो बार नहीं लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता है ये स्नैप का मिसलेनियस है जिसमें दिमाग लगता है कोई फॉर्मूला नहीं लगता मैथमेटिकल एल आर प्रॉब्लम सायोलॉजिज्म का बहुत अच्छे से आना चाहिए रिवर्स सायोलॉजिज्म वगैरह सब आना चाहिए विजुअल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अच्छे से आना चाहिए एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन होना चाहिए तो ये मेन आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है ठीक है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए बाकी जो भी चैप्टर कर रहे हो काफी डिटेल में ढंग से करो ठीक है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अगर मॉक्स लेते हो मॉक्स को भी एनालाइज करना ढंग से वो खैर बात की बात है मॉक्स अभी हमारा मेन मोटिव है कि आपको किसी भी हाल में 31 अक्टूबर तक सिलेबस हो जाना चाहिए डिटेल मैनर में ताकि बाद में मॉक्स दे पाओ और टारगेट बड़ा रखो कट ऑफ का टारगेट रखो ही मतलब टॉप करने का टारगेट रखो सीधे स्नैप का। बुक्स का आप बुक्स की बात करूँ तो आप अरिहंत की टेस्ट ऑफ रीजनिंग ले सकते हो बाकी आप स्टैंडर्ड मटेरियल टाइम आई एम एस सी एल का यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। वीआरसी की बात करूंगा तो आरसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके कैट में भी आते हैं सिनोनिम सेंटेंस को अभी से पढ़ना शुरू करो ठीक है वर्ल्ड पावर मेड इजी की बुक आती है रेड कलर की उसके पीछे ए से लेकर जेड तक है उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दो रेड कलर की बुक है वर्ल्ड पावर मेड इजी की व्हाइट वाली मत लेना। फिलर्स एंड एनालॉजी एरर स्पॉटिंग फिलर्स ग्रामर वाला पैराग्राफ अच्छे से करो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस कलेक्शन कंपाउंड वर्ड्स कैंगारू वर्ड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस ढंग से पढ़ो 3 साल से इडियम्स का जो वीडियो है हम लोगों का 300 इडियम्स का उसमें 70,000 से ज्यादा व्यूज है उससे 3 साल से आ रहा है स्नैप में बट सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि तो टाइम अपने पास है। होमोनिम्स स्पेलिंग एरर सब्जेक्ट पर अग्रीमेंट ये आपका एरर स्पॉटिंग बहुत काम आता है पैरालिज्म एंड मॉडिफायर्स फिगर ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच फॉरन वर्ड्स एंड मोडल वर्ब्स गस वीआरसी में तो कुछ चीजें आती हैं जो आपको रखनी है जैसे वीआरसी में अगर ओवरऑल बताऊँ तो कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे उनका रीडिंग कॉम्बिनेशन एक होता है वर्बल एबिलिटी और एक होता है वोकैब वोकैब वाले में क्या क्या आता है इडियम्स फ्रेजेस कंपाउंड वर्ड्स कंगारू वर्ड्स ठीक है फॉरेन वर्ड्स ये सब जो रटने वाली चीजें होती है आती है वर्बल एबिलिटी में बेसिकली पैराजेंबल्स एंड ग्रामर वगैरह आता है ठीक है एंड आरसी अलग आता है आपका तो आपको करना है ढंग से वीआरसी में फोकस करो काफी लोगों को फुल मार्क्स भी आता है वीआरसी में। अगर बात करूँ मैं बुक की तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाई एसपी बख्शी ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ इसमें सब कुछ दिया रहता है ठीक है बाकी वोकैबुलरी वर्ड पावर मेड इजी के एंड ऑफ द वर्ड्स कोई भी रूट वर्ड नहीं पड़ेगा रूट वर्ड टाइम वेस्ट होता है कुछ निकलेगा नहीं इससे आपका। रेड कलर की बुक खरीदो लास्ट में ए से लेकर जेड तक के वर्ड्स वो कर रहे हैं बाकी रन एंड मार्टिन बोलता हूँ बट मैं रिकमेंड कम करूंगा कि बहुत जल्दी है इतना टाइम नहीं दे पाओगे बस यही है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाकी टाइम आई में सीएल मटेरियल दे सकते हो अगर आपके पास है तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वहां पर ग्रामर आप पढ़ सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग का एक डेडिकेटेड
एनमैट इस का बैच स्टार्ट हो रहा है, काफी लोगों ने सुना होगा, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं लास्ट 2 साल से। लास्ट ईयर कम से कम 120 प्लस का SIBM SCM HRD से कॉल था, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग ए डेडिकेटेड बैच फॉर एनमैट स्नैप एज वेल एज कंप्लीट नॉन कैट कोर्स। कंप्लीट नॉन कैट कोर्स का मतलब होता है कैट कोर्स छोड़ के जितने भी एग्जाम्स हैं, एनमैट स्नैप सीमैट सीटी टेस्ट SRCC, एक प्रॉपर कोर्स होगा, उसमें सब कुछ कवर रहेगा, लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सारे एग्जाम्स का फुल लेंथ मॉक्स, सब सारे एग्जाम्स का GDPI, ठीक है, आपके पास घर पे हार्ड कॉपी बुक्स भी जाएंगी। तो ये कंप्लीट नॉन कैट कोर्स और एनमैट स्नैप कोर्स हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 10 मई से, ठीक है। तो क्या आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो नॉन कैट कोर्स होता है, जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स हैं सबका क्वांट्स LRDI VR से एग्जैक्टली सेम है, बस किसी में GK आती है किसी में नहीं आती। तो नॉन कैट कोर्स भी अगर आप लेते हो तो आपको 10 मई से वो भी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हम एनमैट स्नैप से ही करेंगे। एनमैट स्नैप का जो बैच होगा वो आपका हम लोग इस बार 1 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हम लोग लास्ट ईयर उन्होंने 10 जून से स्टार्ट किया था, इस बार 10 मई से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है 31 अक्टूबर तक एक्सट्रीमली डिटेल्ड मैनर में सब कुछ करवा दें आप, ठीक है। एनमैट का स्लॉट अपना नवंबर में बुक करो, 15 नंबर के अंदर, ताकि आपका स्नैप एनमैट दोनों अच्छे से निकल जाए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो बच्चे गलती करते हैं, चाहे आप जितना मॉक्स लगा लो, अगर आपने वैरायटी नहीं करी कभी नहीं निकलेगा एग्जाम। मैं जानता हूँ 4 4 साल से लोग एनमैट स्नैप दे रहे हैं, इसका रीजन यही कि आप लोग वैरायटी नहीं पढ़ते हो, खाली मॉक्स के पीछे भागते हो, खाली मॉक्स से कुछ नहीं निकलेगा, आपको हर एक वैरायटी से PhD करनी पड़ेगी। और हम लोगों का कोर्स यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ गारंटीड कोर्स, मतलब अगर आपने कोर्स लिया और जैसे बोल रहा हूँ वैसे किया तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको निकालने से एग्जाम, ठीक है। बट ये है कि सही टाइम पे स्टार्ट करना, अगर आप अक्टूबर में कोर्स ले रहे हो तो डाउटफुल रहेगा, क्योंकि इतना सारा डिटेल कराते हैं हम लोग। हम लोग का रीजन यही है कराने का कि हम लोग की मेन USP यही होती है कि हम लोग कोई भी वैरायटी छोड़ते ही नहीं, सब कुछ क्लास में ही करा देते हैं। मतलब PNC प्रोबेबिलिटी की 14 क्लासेज होंगी, नंबर्स की करीब 18 क्लासेज होंगी, इस बार और ज्यादा क्लास होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कैट का भी क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर स्नैप काफी टफ आएगा। और कुछ वैरायटी भी चेंजेस करेंगे कि जब टफ पेपर आता है तो कैसे आपको हैंडल करना है, तो आपको टफ टॉपिक टेस्ट दिए जाएंगे। कि टफ टॉपिक टेस्ट दिए का मतलब क्या है कि जब पेपर टफ आता है तो आपको सब कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। और बात रही स्नैप के मॉक्स की, तो स्नैप के मॉक्स इस बार पूरे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पेपर काफी टफ था लास्ट ईयर का, इस बार मॉक्स अच्छे लेवल के बनेंगे। टू प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, टफ पेपर में डरना नहीं है। पेपर अगर टफ है तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाता है, 36 36 36.5 के अराउंड कट ऑफ गया था CMHRD का इस बार, वैसे 41 जाता है तो डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लेवल करो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इसकी काफी डिमांड है, कोर्स की काफी लोग अपेयिंग कर रहे हैं और सीट्स काफी लिमिटेड है, मैक्सिमम 80 से 100 स्टूडेंट्स का बैच होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इसका प्रॉपर डिटेल्स कोर्स का मैं यूट्यूब में डालूंगा, ठीक है, और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएगा। तो अगर वाकई नॉन टेट एग्जाम्स निकालना है यू कैन चेक आउट दिस कोर्स, ठीक है। बाकी ये हम लोग के टॉप परफॉर्मर्स हैं स्नैप के, 99.89 99.88 स्नैप के हैं सर ये, ठीक है, ये 99 प्लस वाले हैं, एंड ये हम लोग का कन्वर्ट है इस साल का, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी गाइस आप देख सकते हो खुद रिव्यूज, आप रिव्यूज आराम से बहुत सारे पढ़ोगे, अपने आप आइडिया लग जाएगा, बहुत सारे रिव्यूज हैं, मोर देन 500 प्लस रिव्यूज हैं हम लोग के पास, ठीक है, आप देखो आराम से आपको आइडिया लग जाएगा। तो गाइस रिजल्ट्स एंड एडमिशन, अपार्ट फ्रॉम दैट ये नंबर है यहाँ पे, मैं इंक्वायर कर सकता हूँ कोई अगर डाउट हो आपको, ठीक है, आपको मैं ब्रोशर वगैरह सब शेयर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन विजिट मॉक्सॉन डॉट इन फॉर डिटेल्स, अभी डिटेल्स स्नैप एंड मैक कोर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।